हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख चुके होंगे, आज के सीरीज हम क्लियर करने वाले डेयरी साइंस तथा दुग्ध विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यार हाँ, कि टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है और उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे जो कि हर बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है और कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपनी जगह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, घी में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है। यार हाँ, एक अच्छे क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। जल्दी सुनाएंगे, घी में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है, कितना परसेंट फैट होता है। जल्दी सुनाएंगे, 90%, 99%, 80% या फिर 95%। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, घी में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है। जल्दी सुनाएंगे, 90%, 99%, 80% या फिर 95%। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं घी में कितनी परसेंट वसा पाई जाती है तो कितनी होती है वसा की मात्रा, यहाँ 99% होती है। कितनी होती है, 99% होती है घी में वसा की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध में, यार हाँ दूध में जो पास्चराइजेशन किया जाता है तो इस मेथड में यार हाँ कौन कौन से टेम्परेचर को रखा जाता है और कितने समय के लिए रखा जाता है। अर्थात यहाँ पास्चराइजेशन करने के कितने तो यानी टेम्परेचर रखा जाता है, आपने पढ़ा होगा दो मेथड होते हैं, तो उन दो मेथडों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जल्दी सुनाएंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, अर्थात यार हाँ कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाता है और कितने समय के लिए लिया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि दूध में पास्चराइजेशन किया जाता है 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 5 मिनट के लिए रखा जाता है, फिर एक या दो दोनों। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है। अर्थात यहाँ दूध में पास्चराइजेशन कौन कौन से टेम्परेचर पर किया जाता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो डायरेक्ट याद रखना कि अगर आप सोचते पास्चराइजेशन के बारे में, ठीक है, जो पास्चराइजेशन किया जाता है ये दोनों पर किया जाता है। अगर आपका राइट आंसर कौन सा यार हाँ, एक और दो दोनों, क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं पास्चराइजेशन तो इसके मुख्यतः दो मेथड होते हैं यार हाँ, एक होता है लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई टाइम अर्थात लॉन्ग टाइम, और अगर बात करते हैं एक होता है लो टेम्परेचर हो ही चुका है, एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये दो मुख्यतः मेथड होते हैं। और अब बात करते हैं यार हाँ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब लगे लिया ना कि ये लिया जाता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए। अर्थात यार हाँ दूध में जो पास्चराइजेशन किया जाता है, अगर हम कर रहे हैं कम टेम्परेचर से, ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं लो टेम्परेचर, तब क्या होगा यहाँ 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए दूध को रख दिया जाता है। और अगर बात करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ जब हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो उसे कम समय में हो जाता है, और कितने समय में यार हाँ केवल 15 सेकंड में, अर्थात 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को रखने पर 15 सेकंड में ये पास्चराइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, कौन सा है आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी सुनाएंगे, करनाल, बीकानेर, भोपाल या फिर दिल्ली। जल्दी सुनाएंगे कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल, बीकानेर, भोपाल या फिर दिल्ली। जल्दी सुनाएंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या, NDRI। तो जल्दी सुनाएंगे NDRI कहाँ पर स्थित है, अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी सुनाएंगे, कहाँ पर स्थित है, करनाल, बीकानेर, भोपाल या फिर दिल्ली। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं NDRI के बारे में, ठीक है, अगर आप सोचते हैं NDRI के बारे में, तो NDR कहाँ पर स्थित है, करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जिसने भी राइट आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन का, ठीक है, कौन सा है आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। NDRI कहाँ पर स्थित है, करनाल, हरियाणा में स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, दूध में निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी सुनाएंगे, दूध में निम्न में से कौन सा पदार्थ यार हाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे, प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, फिर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। जल्दी सुनाएंगे यहाँ कि यार हाँ दूध में निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, कि प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, फिर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पाए जाता है, अर्थात TSS पाए जाता है। जल्दी सुनाएंगे क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं दूध के बारे में, यार हाँ दूध में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात सबसे अच्छा जो कंटेंट होता है सबसे अधिक, तो कौन सा होता है, TSS होता है, अर्थात यहाँ टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। क्या होता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में TSS होता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, कि श्वेत क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है। तो जल्दी से पाएंगे, दूध से, तिलहन से, मछली से या फिर
खाद्यान्न से। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे श्वेत क्रांति, तो इसको तो आपको पता होगा कि श्वेत क्रांति की जब भी बात की जाए तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, दूध से होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का जनक किसे मानता है, तो वर्गीज कुरियन को मानता है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ श्वेत क्रांति अदर वाई फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो व्हाइट रिवोल्यूशन की कौन थे यार, हाँ वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यार, हाँ खीस में होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया खीस में, तो खीस में जल्दी से बताएंगे खीस या फिर कोलेस्ट्रम, जिसे यार हाँ खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है खीस में क्या होता है, विटामिन होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, प्रोटीन होती है, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि खीस में होता क्या है, या फिर खीस या फिर कोलेस्ट्रम में होता क्या है, विटामिन होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा है खीस के बारे में, तो खीस में ये सभी होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है खीस में, तो यार हाँ खीस में खनिज भी होते हैं, विटामिन लवण भी होते हैं, और यार हाँ प्रोटीन भी होते हैं। अर्थात क्या है आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार हाँ अगर आपसे पूछा है खीस या कोलेस्ट्रम में, तो ये सभी पाए हैं, विटामिन पाए हैं, खनिज तत्व भी पाए हैं, प्रोटीन पाए हैं, फिर ये सभी पाए हैं। ठीक है, यानी राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ये सभी पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दुग्ध उद्योग में प्रयोग लाए जाने वाले जो बर्तन है। ठीक है, दुग्ध उद्योग में अर्थात मान लीजिए दूध निकालने के लिए हम किस बर्तन का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि यार हाँ दूध, ठीक है, दूध से संबंधित जितने भी जो प्रोडक्ट लिए हैं उनके लिए बर्तनों का कौन से प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कौन सी प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, कि तांबे के बर्तन लिए जाते हैं, पीतल के बर्तन लिए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन लिए जाते हैं, या फिर जस्ते के बर्तन लिए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध उद्योग में, ठीक है, दुग्ध उद्योग में प्रयोग लाए जाने वाले बर्तन होने चाहिए, तांबे के होने चाहिए, पीतल के होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, फिर जस्ते के होने चाहिए। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ अगर आप चाहे दुग्ध उद्योग में, तो यार हाँ दुग्ध उद्योग में मुख्यतः यार हाँ स्टेनलेस स्टील के, जिसके लिए जैसे हैं यार हाँ कि अगर आप चाहे बर्तन, तो यार हाँ बर्तन जो जितने भी होते हैं वो किसके होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। किसके होते हैं यार हाँ स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से वसा का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बताना है वसा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसमें पाया जाता है। तो जल्दी से पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, दही में पाई जाती है, मक्खन में होता है, फिर क्रीम होता है। जल्दी से यहाँ वसा की मात्रा, ठीक है, वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, दूध में होती है, दही में होती है, मक्खन में होती है, फिर क्रीम में होती है। जल्दी से आएंगे दूध में निम्न में से कि वसा की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, दूध में, दही में, मक्खन में, फिर क्रीम में। तो यहाँ अगर आप सदैव वसा के बारे में, फैट कंटेंट के बारे में, तो फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। किसमें होता है यार, हाँ मक्खन में होता है। कौन सा राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध में औसतन कितने परसेंट लैक्टोज होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लैक्टोज के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे कि लैक्टोज सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, या फिर लैक्टोज का जो प्रतिशत होता है दूध में ये कितना होता है। जल्दी से बताएं, 2.5% होता है, 3.5% होता है, 4.5% होता है, फिर 5.5% होता है। जल्दी से बताएंगे दूध में औसतन जो लैक्टोज है इसकी मात्रा कितनी होती है, ये कितने परसेंट पाई जाता है। जल्दी से बताएंगे कि लैक्टोज की मात्रा क्या होती है, 2.5%, 3.5%, 4.5%, या फिर 5.5%। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 4.5% होती है, अर्थात 4.5% होती है। कितनी होती है यहाँ अगर आपसे दूध में औसतन, तो यहाँ दूध में जो एवरेज होती है लैक्टोज की मात्रा, ये कितनी होती है, 4.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो यार हाँ सर्वाधिक से ज़्यादा जो प्रोटीन होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, ये किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, दूध में देखने को मिलता है, दही में देखने को मिलता है, फिर घी में देखने को मिलता है। जल्दी सुनाएंगे कि सर्वाधिक प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, फिर घी में पाया जाता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, खीस में, दूध में, दही में, फिर घी में। जल्दी सुनाएंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो किसमें होती है यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक ज़्यादा प्रोटीन, तो पाई जाती है खीस में। किसमें होती है यार, हाँ खीस में होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, खीस में पाई जाती है। और अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, तो यार हाँ खीस में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है खीस में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है, तो ये आपको कमेंट करना है, डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, डायरेक्ट कमेंट कर देना कि प्रोटीन कितनी होती है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में, यार हाँ भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, फिर बकरी का होता है। यार हाँ यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा पशु योगदान दिवाता है दुग्ध उत्पादन में, यहाँ कुल टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे गाय, भैंस, भेड़िया, फिर बकरी। जल्दी से बताएंगे गाय, भैंस, भेड़िया, बकरी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है,
तो यहाँ अगर आपसे पूछता है गाय, ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तो किसका होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये होता है यहाँ भैंस का होता है, किसका होता है, भैंस का होता है। और अगर आपसे पूछता है कितना परसेंट योगदान, तो यहाँ 52%, ठीक है, जितना भी जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन लिया है उसका यहाँ 52%, ठीक है, 52% हिस्सा किसका होता है, भैंस का ही होता है। कितना होता है यहाँ 52% हिस्सा किसका होता है, भैंस का होता है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन था इंडिया का उसमें यार 52% यार योगदान किसके द्वारा निभाता है, भैंस के द्वारा निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध है, अर्थात यहाँ जो मिल्क अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति का अकॉर्डिंग आपको बतानी है मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी होती है भारत में। तो जल्दी से पाएंगे 180 ग्राम होती है, 394 ग्राम होती है, 290 ग्राम होती है, फिर 222 ग्राम होती है। जल्दी से पाएंगे कि क्या हो आपका राइट आंसर, कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता क्या होती है, मिल्क प्रोडक्टिविटी यानी जो मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी होती है। जल्दी से पाएंगे कि मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 180 ग्राम, 394 ग्राम, 290 ग्राम या फिर 222 ग्राम। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। यार अगर आप सोचते हैं भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता तो ये कितनी होती है, ये होती है 394 ग्राम, ठीक है। अगर बात करते हैं लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, तो लेटेस्ट जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा यार, हम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की अवेलेबिलिटी कितनी है, 394 ग्राम, कितनी होती है, 394 ग्राम होती है, ठीक है, करंट डाटा के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है। तो यार हाँ कि अगर आप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध तो कितनी होती है, 394 ग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ, वसा रहित ठोस पदार्थ मान लीजिए वो जो SNF होता है, ठीक है, क्या होता है वसा रहित ठोस पदार्थ, जिससे SNF के नाम से जाना है, किस नाम से जाना जाता है यार, SNF मतलब सॉलिड नॉट फैट, क्या होता है सॉलिड नॉट फैट, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि यार दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं कितने परसेंट होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे SNF की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से पाएंगे 2.5%, 3.5%, 4.5% या फिर 8.5%। जल्दी से पाएंगे कि दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ कितने परसेंट होते हैं, 2.5%, 3.5%, 4.5% या फिर 8.5%। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, पहले ऑप्शन देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है कि 2.5%, 3.5%, 4.5% या फिर 8.5%। जल्दी से बताएंगे कि दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है, SNF कितना होता है। तो यार हाँ अगर आप वसा रहित ठोस पदार्थ तो कितना होता है यार, सॉलिड नॉट फैट ये होता है 8.5%। कौन सा है आपका राइट आंसर, 8.5% बचता है। दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है, 8.5% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में यार, हाँ राजस्थान में तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है, ये आपसे पूछना है यार, हाँ कि यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से समझा करो क्वेश्चन को, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में तरल दूध का, ठीक है, तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है कि तरल दूध है तो इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया जाता है, दही बनाने में किया जाता है, घी बनाने में किया जाता है, पनीर बनाने में किया जाता है, फिर क्रीम बनाने में किया जाता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए उसके कारण राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर लिया जाता है या फिर किस में लिया जाता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आप सोचते तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग, तो सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इसका किया जाता है घी बनाने में, किस में किया जाता है, घी बनाने में किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी योजना। अब यार हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि क्रांतिकारी योजना, ठीक है, दूध उत्पादन में जो क्रांतिकारी योजना थी वो कौन सी योजना है, ये आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड थी, ऑपरेशन वाइट थी, नीली क्रांति थी, फिर ऑपरेशन मिल्क थी। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि यार हाँ कौन सी क्रांतिकारी अवस्था चलाई गई थी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जल्दी से पाएंगे कि कौन सी है वो क्रांतिकारी योजना। जल्दी से पाएंगे ऑपरेशन फ्लड होती है, ऑपरेशन वाइट होती है, नीली क्रांति होती है, फिर ऑपरेशन मिल्क होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे दूध उत्पादन में क्रांतिकारी योजना तो कौन सी थी, यार ऑपरेशन फ्लड थी, जिसकी शुरुआत अगर आपसे पूछा जाता है शुरुआत, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। एक और बार देख लीजिए, अगर आपसे यार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो किसे चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड योजना को चलाया गया था। और अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी ऑपरेशन फ्लड की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। कब की गई थी, 1970 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध की शर्करा क्या होती है, ठीक है, दूध की शर्करा कौन सी है, ये आपको बताना है। फ्रक्टोज होती है, लैक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, फिर गैलेक्टोज होती है। जल्दी से बताएंगे कि दूध की शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कि दूध की शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, लैक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, फिर गैलेक्टोज होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर आपसे दूध की शर्करा तो कौन सी होती है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ अगर आपसे दूध की शर्करा तो कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है, लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कंटेंट पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे, पोषक तत्व पाया जाता है, फिर विटामिन पाया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विटामिन पाए जाते हैं, फिर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, फिर विटामिन बी पाया जाता है। जल्दी से आएंगे, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कंटेंट पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, विटामिन बी। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे दूध में सबसे अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और अगर बात करते हैं कैल्शियम से कम, तो यहाँ कैल्शियम से कम होता है फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, फास्फोरस और कैल्शियम में अगर आप कन्फ्यूज होते हो तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद में यहाँ फास्फोरस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर कौन है, कैल्शियम है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, उसके बाद में होता है फास्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध में, यहाँ दूध में औसतन जो लैक्टिक अम्ल होता है, क्या पूछा गया है यहाँ पर, आपसे पूछा है लैक्टिक अम्ल के बारे में। तो लैक्टिक अम्ल कितना होता है ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे, 0.2%, 1.2%, 0.5% या फिर 0.14% या फिर 0.01%। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि दूध में औसतन लैक्टिक अम्ल कितना होता है, लैक्टिक अम्ल कितना होता है। जल्दी बताएंगे, 1.2%, 0.5%, 0.14% या फिर 0.01%। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि लैक्टिक अम्ल कितना पैसा है, 1.2%, 0.5%, 0.14% या फिर 0.01%। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सही लैक्टिक अम्ल के बारे में, तो लैक्टिक अम्ल कितना होता है, 0.14% होता है। कितना होता है, यहाँ राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अगर आप सही लैक्टिक अम्ल के बारे में, तो लैक्टिक अम्ल कितना होता है, 0.14% होता है। कितना होता है, 0.14% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रीम का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, आता है वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.56% होता है, 0.93% होता है, 1.032% होता है, फिर 1.00% होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से आएंगे, क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.56% होता है, 0.93% होता है, 1.032% होता है, फिर 1.00% होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि क्रीम में अपेक्षित घनत्व कितना होता है, क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। जल्दी से आएंगे, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है क्रीम की। तो यहाँ अगर आपसे क्रीम का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो कितनी होती है, 0.93% होती है। कितनी होती है, 0.93% होती है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगर अगर आपसे क्रीम का अपेक्षित घनत्व, एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्रीम का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है, 0.93% होता है। कितना होता है, 0.93% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, अर्थात किस स्टेट के द्वारा यहाँ सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन लिया जाता है, ये आपको पता है। जल्दी से बताएं, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, राजस्थान में लिया जाता है, पंजाब में लिया जाता है, हरियाणा में लिया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताएंगे, राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में लिया जाता है, किस स्टेट में लिया जाता है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, फिर उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि सबसे अधिक ज़्यादा, यानी सबसे अधिक जो मिल्क प्रोडक्शन लिया जाता है किस स्टेट में लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, राजस्थान में लिया जाता है, पंजाब में लिया जाता है, हरियाणा में लिया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो अगर आपसे भारत में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन, तो यार सबसे जो अधिक दूध उत्पादन लिया जाता है ये लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर लिया जाता है यार, हाँ अगर आपसे पूछते हैं मिल्क प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोप परीक्षण, यार हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। जल्दी से बताएंगे, कोप परीक्षण किया जाता है, किसका किया जाता है कोप परीक्षण, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, अम्लीयता किया जाता है, किसका किया जाता है, वसा किया जाता है, फिर तनीला रोग का किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि कोप परीक्षण किसका किया जाता है, अम्लीयता का, किसका, वसा का, फिर तनीला रोग का। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि कोप परीक्षण किसका किया जाता है, अम्लीयता किया जाता है, किसका किया जाता है, वसा किया जाता है, फिर तनीला रोग का किया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे कोप परीक्षण के बारे में, तो कोप परीक्षण किया जाता है वसा का, सॉरी किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, यहाँ खीस का किया जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ अगर आपसे कोप के बारे में, तो कोप पर जो टेस्ट किया जाता है, कोप जो परीक्षण किया जाता है, ये किया जाता है खीस का, किसका किया जाता है, यहाँ कोलिस्टम में खीस का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए, ताजे दूध का पीएच कितना होता है, इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि ताजे दूध होता है, ठीक है, ताजे दूध दूध होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे, 6.7% होता है, 6% होता है, सॉरी
ताजे दूध का पीएच कितना होता है, पीएच पूछा गया यहाँ पर, तो जल्दी सुनाएंगे पीएच कितना होता है। 6.7 होता है, 6% होता है, 7 होता है, फिर 7.6% होता है। जल्दी सुनाएंगे ये ताजे दूध का, ठीक है, ताजे दूध का पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। 6.7 होता है, 6 होता है, 7 होता है, फिर 7.6 होता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सुनाए ताजे दूध के बारे में, तो ताजे दूध का जो पीएच होता है ये पीएच कितना होता है इसका, यार हाँ 6.7 होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यार हाँ अगर आप सुनाए ताजे मिल्क के बारे में, तो ताजे दूध का जो पीएच होता है ये कितना होता है, 6.7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध में अम्लीयता परीक्षण के लिए क्या काम लिया जाता है, दूध में अम्लीयता परीक्षण के लिए क्या काम लिया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका क्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी सुनाएंगे अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा लिया जाता है, या फिर यानी अम्लीयता परीक्षण करने के लिए किसको काम लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि दूध में अम्लीयता परीक्षण के लिए क्या काम में लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है अम्लीयता परीक्षण, तो अम्लीय परीक्षण जो अम्लीयता परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुद्ध दूध में, अभी यार थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि इसमें आपसे पूछा है शुद्ध दूध में, ठीक है, शुद्ध दूध में पानी मिलाने से आपेक्षिक घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि शुद्ध दूध में, अब अगर मान लीजिए आप पानी मिला रहे हो, तो उससे आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सुनाएंगे आपेक्षिक घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, फिर पहले घट जाता है फिर बढ़ जाता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए और सही क्वेश्चन को समझिए कि शुद्ध दूध में पानी मिलाने से, शुद्ध दूध में पानी मिलाने से आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, फिर पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं यानी पानी मिला दिया जाता है, ठीक है, अगर आप सोचते हैं शुद्ध दूध में अगर पानी मिला देते हैं तो इससे आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, जो आपेक्षिक घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो क्या होती है, इस पर इंक्रीज होती है अर्थात बढ़ जाती है। क्या होता है, अगर आपसे पूछता है शुद्ध दूध में पानी मिला दिया जाता है, तब यहाँ आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपेक्षिक घनत्व यहाँ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन सा है राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन, अगर आपसे पूछता है आपेक्षिक घनत्व, तो यह क्या होता है, यहाँ बढ़ जाता है, क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया प्रिंसिपल के बारे में। तो जल्दी सुनाइए वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर कैसा है, केंद्रीय बल पर, पलवन सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर, फिर दोलन के सिद्धांत पर। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर कैसा है, केंद्रीय बल पर, पलवन सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर, फिर दोलन के सिद्धांत पर। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछते हैं वसा परीक्षण का सिद्धांत, तो यार हाँ कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है वसा परीक्षण, तो ये करता है अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर। कौन से करता है, यार हाँ जो सेंट्रीफ्यूजल सिद्धांत होता है, तो इसी पर। अर्थात दोबारा से देख लीजिए कि वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर करता है। किस पर करता है, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूध का निर्जमीकरण, ठीक है, एक वर्ड को जरूर ध्यान रखें, निर्जमीकरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि दूध का निर्जमीकरण हेतु 30 मिनट तक, यहाँ 30 मिनट आपको टाइम दिया गया है स्पेशली। तो यहाँ पर आपसे पूछा है दूध का निर्जमीकरण हेतु 30 मिनट के लिए कितने तापमान पर रखा जाता है, अर्थात यहाँ जो मिल्क को आप कितने टेम्परेचर पर रखोगे 30 मिनट के लिए, ये आपको बता रहे हैं। जल्दी सुनाएंगे कि अगर आपको मान लीजिए दूध का निर्जमीकरण करना है, तो आप यानी कितने टेम्परेचर पर रखोगे 30 मिनट के लिए दूध को, जिससे कि वो निर्जमीकृत हो जाए। जल्दी से पाएंगे ऑप्शंस, पहले आप देख लीजिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 98.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, फिर 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि आप दूध को 30 मिनट तक कितने टेम्परेचर पर रखोगे, जिससे कि दूध निर्जमीकृत हो जाए, 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 112 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, फिर 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल्दी सही राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं स्टरलाइज यानी सॉरी निर्जमीकरण के बारे में, तो निर्जमीकरण यहाँ 30 मिनट में करना है, तो 30 मिनट के लिए यहाँ जो टेम्परेचर रखा जाता है ये रिक्वायर्ड होता है 112 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर दूध को 30 मिनट के लिए रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, दूध निर्जमीकृत हो जाता है, दूध निर्जमीकृत हो जाता है। ठीक है, 112 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है, दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा करने को क्या बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर मान लीजिए दूध को आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा कर रहे हो तो उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि पाश्चुरीकरण बोला जाता है, निर्जीकरण बोला जाता है, भंडारण बोला जाता है, फिर अवशीतन बोला जाता है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि दूध को अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख दिया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि पाश्चुरीकरण के नाम से, निर्जलीकरण के नाम से, भंडारण के नाम से, फिर अवशीतन के नाम से। जल्दी सही राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सही दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है तो इसे बोला जाता है अवशीतन, जैसे नाम से इसे बोला जाए यहाँ ठंडा करने को। तो ठंडा से संबंधित आपको पता होगा वर्ड क्या होता है, अवशीतन होता है, ठंडा से संबंधित होता है एक वर्ड क्या होता है, अवशीतन होता है। अतः अगर आप सही दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है तो इसे बोला जाता है अवशीतन, किस नाम से जाना जाता है, अवशीतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं यार। हाँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, परसेंटेज में यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी सुनाएं, प्लास्टिक क्रीम में जो वसा होती है इसकी मात्रा कितनी होती है, 18 से 25% होती है, 25 से 45% होती है, 45 से 60% होती है, 60 से 80% होती है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि प्लास्टिक क्रीम में, ठीक है, प्लास्टिक क्रीम के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सही प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, 18 से 25 होती है, 25 से 45 होती है, 45 से 60 होती है, फिर 60 से 80 होती है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रीम है इसको यार हाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी थी यार हाँ, एक होती है पतली क्रीम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना, एक होती है पतली क्रीम, एक होती है मध्यम क्रीम, एक होती है गाढ़ी क्रीम और चौथी होती है प्लास्टिक क्रीम। ठीक है, 3 यानी 4 होती है जो क्रीम के प्रकार है, ये 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है पतली, फिर होती है मध्य, फिर होती है गाढ़ी और उसके बाद में होती है प्लास्टिक। तो जल्दी से यार हाँ कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्रीम में यहाँ पर आप सबसे वसा की मात्रा, तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आप सतह पतली क्रीम के बारे में, ठीक है, अगर आप सतह पतली क्रीम में वसा की मात्रा तो पतली में होती है 15 से 25। ठीक है, वर्ड को जरूर ध्यान रखना, सॉरी 15 से 25 नहीं होती बल्कि 18 से 25 होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि अगर आप यार हाँ पतली क्रीम में वसा की मात्रा, तो पतली क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, 18 से 25% होती है। अगर आप सोचते हैं मध्यम की, ठीक है, अगर आप सोचते हैं मध्यम जो क्रीम होती है इसमें वसा की मात्रा, तो इसमें होती है 25 से 45%, कितनी होती है ना, 25 से 45% होती है। अगर आप सोचते हैं गाढ़ी, तो यहाँ गाढ़ी क्रीम में वसा की मात्रा होती है 45 से 60। और अगर आप सोचते हैं प्लास्टिक क्रीम के बारे में, तो प्लास्टिक क्रीम में जो यार हाँ वसा की मात्रा होती है ये होती है 60 से 80%। ठीक है, एक और बात देख लीजिए कि अगर आप सोचते यार हाँ पतली क्रीम, ठीक है, पतली क्रीम में जो मात्रा होती है वसा की ये कितनी होती है, 18 से 25 होती है। अगर बात करते हैं मध्य की, तो मध्यम कितनी होती है, 25 से 45 होती है। अगर बात करते हैं गाढ़ी क्रीम की, तो गाढ़ी क्रीम में कितनी होती है, 45 से 60 होती है। और अगर आप सोचते हैं प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक क्रीम में कितनी होती है, 60 से 80% होती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा यार हाँ, अगर आप सोचते हैं प्लास्टिक क्रीम के बारे में, तो प्लास्टिक क्रीम में जो वसा की मात्रा होती है ये होती है 60 से 80%, कितनी होती है, 60 से 80% होती है। ठीक है, क्वेश्चन की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दही जमाने के लिए, ठीक है, दही जमाने के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कहेंगे उत्तरदायी जो बैक्टीरिया होते हैं ये कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, दोनों होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि दही जमाने के लिए कौन उत्तरदायी बैक्टीरिया होते हैं। जल्दी सुनाएंगे कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो कि यहाँ दही को जमा देते हैं, या दूध को जमा देते हैं, या फिर दही में बदल देते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो जल्दी सुनाएंगे कि यहाँ ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इसमें रोल निभाता है, तो कौन सा होता है यार हाँ, अगर आपसे पूछता है दही में बदलने का, तो क्या होता है, ये दोनों ही निभाते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस दोनों ही होते हैं यार हाँ, राइट आंसर कौन सा है, दोनों ऑप्शन, क्योंकि यार अगर आपसे है बैक्टीरिया तो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों ही क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध वसा में ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का क्या रेशो रहता है, क्या अनुपात रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझिए कि दूध वसा में आपसे पूछा गया है ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का रेशियो। तो जल्दी बताएंगे ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल कितने रेशियो में पाए जाते हैं, किस अनुपात में पाए जाते हैं, 1:3 में पाए जाते हैं, 3:1 में पाए जाते हैं, 2:1 में होते हैं, फिर 1:2 में होते हैं। जल्दी बताएंगे ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का क्या रेशो रहता है, क्या अनुपात रहता है, 1:3, 3:1, 2:1, 1:2। तो यहाँ अगर आप सही ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के बारे में, तो इसका क्या राइट आंसर है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल यहाँ 1:3 के रेशियो में पाए जाते हैं, किस अनुपात में पाए जाते हैं, 1:3 के रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध के प्रोटीन, यार हाँ दूध के प्रोटीन जो कि यार हाँ बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है, ठीक है, कि दूध की वह प्रोटीन जो कि यार बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है उसे किस नाम से जाना है, मिल्क स्टोन के नाम से, मिल्क फैट के नाम से, मिल्क कैसिन के नाम से, फिर मिल्क आयरन के नाम से। जल्दी सुनाएंगे कि दूध के प्रोटीन जो यार हाँ बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है, ये चिपकने की जो मात्रा होती है इसके किस नाम से जाना है, मिल्क स्टोन के नाम से, मिल्क फैट के नाम से, मिल्क कैसिन के नाम से, फिर मिल्क आयरन के नाम से। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर कौन सा है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। तो यार हाँ अगर आप सही दूध की प्रोटीन जो कि यहाँ बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है तो वो कौन सी होती है, मिल्क स्टोन होती है। कौन सी होती है, हाँ मिल्क स्टोन होती है, जिसे हटाने के लिए आपको पता होगा कि अम्लीय और सारी धावकों का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूधशाला में बर्तनों को धोने के लिए ज़्यादातर कौन से शोधन का प्रयोग कैसा है, ठीक है, कौन से शोधन काम में लेते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले गलत कर दिया था। तो यार हाँ अगर आपसे सबसे अधिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कौन सा शोधन काम लिया जाता है, तो कौन सा लिया जाता है, यार हाँ ये लिया जाता है सारी शोधन, ठीक है, कौन सा लिया जाता है अगर आप सब बर्तनों को धोने के लिए, यार हाँ सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो कौन सा शोधन लिया जाता है, सारी शोधक का प्रयोग कैसा है। और वैसे तो यार हाँ अम्लीय का भी लिया जाता है, अगर आप अम्लीय के बारे में, तो अम्लीय का हमने एग्जाम्पल भी बताया था आपको कि अम्लीय धावकों की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरिक अम्ल, जैसे कि फॉस्फोरिक अम्ल, और अगर बात की जाए सारी धावक की तो सारी शोधक कौन सा होते हैं, NaOH, इसका एग्जाम्पल भी आप मान सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा होते हैं यार हाँ, कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है दुग्धशाला में बर्तनों को धोने के लिए ज़्यादातर कौन से शोधन काम में लेते हैं, तो कौन से लेते हैं, सारी शोधकों को काम में लेते हैं। अब बात करते हैं यार अम्लीय शोधक में तो क्या लेते हैं और सारी शोधक में क्या लेते हैं, इनके एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो यार अम्लीय जो शोधक होते हैं इनमें काम लिया जाता है ज़्यादातर फॉस्फोरिक अम्ल को, अगर बात करते हैं सारी शोधकों में तो सारी शोधकों में जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है वो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शोधक का कौन सा गुण दुग्ध कण हटाता है, अर्थात यहाँ दूध हट क्यों जाता है, इसका कौन सा वह गुण होता है जो कि यार हाँ शोधकों के द्वारा हटा दिया जाता है, आर्द्रक गुण होता है, विलोषणकारी गुण होता है, पायसीकरण गुण होता है, फिर घोलक गुण होता है। जल्दी सुनाएंगे कि शोधक का कौन सा गुण दूध को हटा दिया है या फिर दूध कणों को हटा दिया जाता है, कौन सा गुण होता है वो, जल्दी सुनाएंगे, आर्द्रक गुण होता है, विलोषणकारी गुण होता है, पायसीकरण गुण होता है, फिर घोलक गुण होता है, कौन सा होता है, जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप सही शोधक का, ठीक है, शोधक का कौन सा गुण, तो यार हाँ शोधक का जो होता है विलोषणकारी, कौन सा गुण होता है यार हाँ विलोषणकारी जो गुण होता है यही क्या करता है, दूध कणों को हटाने का कार्य करता है। ठीक है, शोधक का कौन सा गुण, यार हाँ विलोषणकारी गुण के द्वारा यार हाँ दूध कणों को हटा दिया जाता है, कौन सा गुण, विलोषणकारी गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सारीय शोधक है, तो इसका भी हमने एग्जांपल बताया था, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, कि सारीय शोधक के रूप में किसका प्रयोग कैसा है, कास्टिक सोडा का, ग्लूकोनिक एसिड का, टेटा फॉस्फेट का, फिर सल्फोनिक एल्कोहल का। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कि सारीय शोधक के रूप में किसको काम लिया जाता है, कास्टिक सोडा को, ग्लूकोनिक एसिड को, टेटा फॉस्फेट को, या फिर सल्फोनिलिक एल्कोहल को। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं सारी शोधक, तो यहाँ सारी शोधक के रूप में लिया जाता है कास्टिक सोडा को, और कास्टिक सोडा क्या होता है यार हाँ NaOH को ही कास्टिक सोडा के नाम से जानता है, किसके नाम से जानता है यार हाँ, जो NaOH होता है तो इसी को यार हाँ कास्टिक सोडा के नाम से जानता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ कि कास्टिक सोडा के नाम से जानता है। और अगर आपसे कास्टिक पोटास, तो यहाँ कास्टिक जो पोटास होता है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि अगर आपसे यहाँ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा तो क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है, दोनों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कास्टिक सोडा, तो यहाँ सोडा के किस्म में रूप लिया जाता है NaOH होता है, क्या होता है, NaOH होता है, अर्थात यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा के नाम से जाना है। और अगर आपसे पता है कास्टिक पोटास, तो पोटास, इस पोटास से आपको डायरेक्ट यार हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है यार हाँ, अगर आपसे कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा तो क्या होता है, NaOH होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना है। और अगर आपसे पूछा था कास्टिक पोटास, तो इस पोटास से जरूर याद रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टिक पोटास क्या होता है, इस पोटास से डायरेक्ट आपको याद है पोटास, ठीक है, इस पोटास से डायरेक्ट याद रहा है पोटास, अर्थात कास्टिक पोटास किसे बोला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए कितनी होती है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे 250 ग्राम होती है, 539 ग्राम होती है, 485 ग्राम होती है, फिर 870 ग्राम होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या होती है, 250 ग्राम होती है, 539 ग्राम होती है, 485 ग्राम होती है, फिर 870 ग्राम होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में कितनी होती है यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता, ये होती है 870 ग्राम, कितनी होती है 870 ग्राम होती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व अर्थात यहाँ जो दूध की जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। जल्दी सुनाएंगे, लैक्टोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, टेंसीमीटर के द्वारा, फिर सोलोमीटर के द्वारा। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर क्या है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, टेंसीमीटर से, फिर सोलोमीटर से। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर क्या है। जहाँ अगर आप सुधाए दूध का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी को ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से, किसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ लैक्टोमीटर से किया जाता है। और अगर आप सुधाए लैक्टोमीटर की रीडिंग्स, तो यहाँ लैक्टोमीटर की जो रीडिंग्स होती है इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ अगर आप सुधाए लैक्टोमीटर की रीडिंग्स, तो लैक्टोमीटर की जो रीडिंग्स है ये होती है 0 से 40। कितनी होती है यहाँ? 0 से 40 होती है। कितनी होती है? 0 से 40 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध की एक कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, यार यहाँ कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सुनाएंगे, दूध की एक कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, माल्टोस, फ्रक्टोस, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। जल्दी सुनाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, माल्टोज के नाम से, फ्रक्टोज के नाम से, सुक्रोज के नाम से, फिर लैक्टोज के नाम से। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर क्या है कि दूध की एक कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहते हैं, माल्टोस, फ्रक्टोस, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो दूध की जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, दूध की जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, लैक्टोज के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, यार है उपयुक्त टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है ये आपसे पूछा है। तो जल्दी सुनाएंगे कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, आवश्यक कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, फिर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर क्या है कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना रिक्वायरमेंट होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, फिर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जहाँ अगर आप दही जमने के लिए, ठीक है, किसके लिए, दही जमने के लिए, जहाँ इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और 22 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही राइट आंसर है कि अगर आपको देखने को मिलता है दही जमने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर तो कितना होता है, 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है? 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध में अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कहेंगे दूध में अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, NaOH के द्वारा, H2SO4 के द्वारा, KOH के द्वारा, फिर लैक्टोमीटर के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि दूध में अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, NaOH के द्वारा, H2SO4 के द्वारा, KOH के द्वारा, फिर लैक्टोमीटर के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ, अम्लीयता पर जो परीक्षण है ये कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यार अगर आप सोचते हैं अम्लीयता परीक्षण, तो अम्लीयता जो परीक्षण है ये कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, फिर कास्टिक सोडा के नाम से। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता था अभी हमने सोल्व किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यार कास्टिक सोडा के नाम से जाना है। और अगर आपसे पूछा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोला जाता है कास्टिक पोटास। ठीक है, तो अब यार रहा कि अगर आपसे पूछते हैं अम्लीयता परीक्षण, तो अम्लीय परीक्षण के लिए किसका काम लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर कास्टिक सोडा को काम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है, ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है ये आपको पूछना है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि अम्लीयता परीक्षण किसके लिए किया जाता है, सॉरी ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है, अम्लीयता परीक्षण के लिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए, वसा परीक्षण के लिए, फिर दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए। जल्दी से पाएंगे ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है, ब्यूटायरोमीटर का क्या यूज़ होता है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो आपने पढ़ा ही हुआ है अगर आप सोचते हैं ब्यूटायरोमीटर के बारे में, तो ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है, वसा परीक्षण के लिए। किसके लिए किया जाता है, यहाँ फैट की कंटेंट की जो जाँच करने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटायरोमीटर मतलब फैट कंटेंट की मात्रा को मेजर करने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से जटिल धावक कौन सा है। ठीक है, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना, जटिल धावक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे ये जटिल धावक कौन सा होता है, कास्टिक सोडा होता है, साइट्रिक एसिड होता है, टेटा फॉस्फाइड होता है, फिर सल्फोडिंग अम्ल होता है। जल्दी से पाएंगे निम्न में से जटिल धावक, निम्न में से जटिल धावक कौन सा होता है, कास्टिक सोडा होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, टेटा फॉस्फाइड होता है, फिर सल्फोनिक अम्ल होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आप सोचते जटिल धावक के बारे में, तो जटिल धावक, ठीक है, जटिल धावक कौन सा होता है, टेटा फॉस्फोलेट होता है। राइट आंसर कौन सा है, यहाँ टेटा फॉस्फोलेट क्या होता है, एक जटिल धावक होता है। क्या होता है? जटिल धावक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध में औसत कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि यार हम कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, लैक्टोज के नाम से। तो जल्दी से कहेंगे लैक्टोज कितनी होती है। जल्दी से कहेंगे राइट आंसर क्या है, यार हम दूध में जो लैक्टोज होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट होती है कितनी होती है। जल्दी से कहेंगे 2.5%, 3.5%, 4.5%, फिर 5.5%। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर आप सही दूध में औसत कार्बोहाइड्रेट, यहाँ औसत जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, औसत जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये कितनी होती है, 4.5% होती है। कितनी होती है? 4.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा दी जाती है, बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा दी जाती है। तो जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि भार का 1.5% दिया जाता है, भार का 1/10% दिया जाता है, कि भार का 1/15% दिया जाता है, फिर भार का 1/20% दिया जाता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, कि बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा कितनी पिलानी चाहिए, फिर खीस की मात्रा कितनी दी जाती है। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। तो जल्दी से पाएंगे कि यहाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बछड़े को कितनी मात्रा खीस की पिलानी चाहिए, जल्दी से पाएंगे कि भार का 1/5%, भार का 1/10%, भार का 1/15%, या फिर भार का 1/20%। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा है बछड़े का सामान्यतः है, तो यार हाँ जो खीस की मात्रा दी जाती है, जो कोलेस्ट्रम की मात्रा दी जाती है, ये दी जाती है भार के 1/10%। कितनी दी जाती है यार हाँ, कि जो बछड़े का जो वेट है उसका यहाँ 1 से 10 भाग, ठीक है, कितना दिया जाता है, 1 से 10 भाग दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1 से 10 भाग। राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यार हाँ अगर आपसे खीस की मात्रा तो ये है भार का 1/10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध उत्पादन की सबसे बड़ी योजना है, ठीक है, दूध उत्पादन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे दूध उत्पादन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मिल्क, गोपाल योजना, फिर सफ़ेद मिल्क। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कि दूध उत्पादन की सबसे बड़ी योजना कौन सी होती है, ऑपरेशन फ्लड होती है, ऑपरेशन मिल्क होती है, गोपाल योजना होती है, फिर सफ़ेद क्रांति होती है। जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था कि दुग्ध उत्पादों को सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया गया था, ये दिया गया था ऑपरेशन फ्लड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था यार, हाँ ऑपरेशन फ्लड योजना के द्वारा सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया था। और अगर आप सोचते हैं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रखना, कि भारत में दुग्ध उत्पादन कितना होता है, ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन कितना होता है, यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी सुनाएंगे, 100 मिलियन टन, 132 मिलियन टन, 165 मिलियन टन, या फिर 195 मिलियन टन। ठीक है, यहाँ पर आपको सन भी दे रखी है कि 2019 से 20 के मध्य आपको बताना है कि भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन है, ये कितना लिया जाता है, 100 मिलियन टन, 132 मिलियन टन, 162 मिलियन टन, या फिर 195 मिलियन टन। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप सोचते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन जो यार हम मिल्क प्रोडक्शन है ये कितना लिया जाता है, 195 मिलियन टन लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 195 मिलियन टन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं, हंसा परीक्षण कैसा है, हंसा परीक्षण किसके लिए कैसा है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी सुनाएं, हंसा परीक्षण किसके लिए कैसा है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मात्रा को याद करने के लिए, दूध में आलू की मात्रा ज्ञात करने के लिए, दूध में दूषित पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनेंगे, हंसा परीक्षण क्यों किया ऐसा है, हंसा परीक्षण क्यों किया ऐसा है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए, दूध में आलू की मात्रा ज्ञात करने के लिए, दूध में दूषित पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनेंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे हंसा परीक्षण के बारे में, तो हंसा परीक्षण, ठीक है, हंसा जो परीक्षण है ये कैसा है, गाय के दूध में, ठीक है, गाय के दूध में या फिर भैंस के दूध में जो भी अदर कंटेंट होता है, अर्थात यहाँ गाय के दूध में अगर मान लीजिए भैंस के दूध को मिलाया जाता है, तो इन दोनों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण काम लिया जाता है, हंसा परीक्षण काम लिया जाता है। ठीक है, गाय के दूध में भैंस की मात्रा को, भैंस के दूध की मात्रा को मेजर करने के लिए, यार इन दोनों की जो मात्रा, ठीक है, इन दोनों की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए किस परीक्षण के लिए ऐसा है, हंसा परीक्षण कैसा है, कौन सा परीक्षण काम लिया जाता है, यार हंसा परीक्षण काम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं आपसे पूछ लिया था, हमने अभी बताया था क्रीम कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है मध्यम क्रीम के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जल्दी से आएंगे, मध्यम क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 50%, या फिर 60 से 80%। जल्दी से राइट आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड हाईलाइट किया गया है कि किसके बारे में पूछा गया है, मध्यम क्रीम के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, मध्यम क्रीम के बारे में। जल्दी से, मध्य क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 50%, या फिर 60 से 80%। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आपसे मध्यम क्रीम के बारे में, तो हमने अभी बताया था यार, अगर आपसे पतली क्रीम, तो पतली क्रीम में होती है 18 से 25, मध्यम क्रीम की अगर बात की जाए तो 25 से 45, अगर बात की जाए गाढ़ी की तो गाढ़ी में कितनी होती है, 45 से 50%, और अगर आपसे पूछता है प्लास्टिक क्रीम, तो यार प्लास्टिक क्रीम में कितनी होती है वसा, 60 से 80% होती है। अर्थात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है मध्यम क्रीम के बारे में, तो राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, अर्थात यहाँ मध्यम क्रीम में कितनी पाई है वसा की मात्रा, 25 से 45% पाई है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछ लिया कि प्लास्टिक क्रीम में तो कितनी पाई जाती है, यार हाँ 60 से 80% कितनी होती है, अभी हमने बताया प्लास्टिक क्रीम में जो वसा की मात्रा ये कितनी होती है,
60% से 80% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई, 1965 में, 1970 में, 1975 में या फिर 1976 में। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी। तो यार हाँ, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में की गई थी। ठीक है, और अगर बात की जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का जो फादर या फिर आपसे पूछा जाए यानी वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, अगर आप सोचते हैं वाइट रिवॉल्यूशन या फिर आपसे पूछा है ऑपरेशन फ्लड, तो इन दोनों को ही किसके द्वारा चलाया गया था, वर्गीज कुरियन के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है वाइट रिवॉल्यूशन का फादर या फिर आपसे पूछता है ऑपरेशन फ्लड का फादर, तो इन दोनों का फादर किसे बोलता है, वर्गीज कुरियन को ही बोलता है। किसे बोलता है, वर्गीज कुरियन को ही बोलता है। तो आज का क्वेश्चन है, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब।